नमस्कार, स्वागत है आपका आज मीडिया ग्रुप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद दानिश। मुरादाबाद में नगर निगम ने सोमवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। निगम के प्रवर्तन दल ने यह कार्रवाई सोमवार को दोपहर करीब 1 बजे सिविल लाइंस के जिगर कॉलोनी में शुरू की। निगम ने यहां ग्रीन बेल्ट पर कब्जा करके की गई बाउंड्री, सड़कों पर लगे जनरेटरों के 3 शेड और दुकानों के आगे हुए अवैध कब्जे को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। प्रवर्तन दल को लीड कर रहे रिटायर्ड कर्नल एस के शाही ने बताया कि जिगर कॉलोनी में ब्लॉक ए में बड़े पैमाने पर ग्रीन बेल्ट पर कब्जों की शिकायत नगर निगम को मिली थी। लोगों ने ग्रीन बेल्ट पर अवैध रूप से कब्जा करके यहां बाउंड्री बना ली थी। इसके अलावा यहां दुकानों के आगे नालों को कवर करके ऊपर से 3 शेड डाल दिए गए। नालों पर 3 शेड डालकर सड़कों पर जनरेटर साइट भी रखे गए थे। नगर निगम की टीम ने इन सभी को बुलडोजर से तोड़ दिया। शाही ने बताया कि पूर्व में इन सभी लोगों को नगर निगम की ओर से नोटिस जारी करके अपने अतिक्रमण खुद हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन नगर निगम के नोटिस के बावजूद लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, लिहाजा निगम के दस्ते ने इसे ध्वस्त कर दिया। तोड़फोड़ के बाद 3 शेड और गेट आदि सामान को निगम की टीम अपने साथ ट्राली में भरकर ले गई। नगर कॉलोनी में ए ब्लॉक के जो है इसके बारे में शिकायत आई थी कि लोगों ने जो है नगर निगम की जमीन पर हरित पट्टी पर जो है उसको कब्जा अतिक्रमण किया हुआ है और उससे आम नागरिकों को काफी असुविधा हो रही है, आने जाने में भी असुविधा हो रही है। इसकी वजह से आज जो है नगर निगम के द्वारा जो है इस एरिया में कंप्लेन आने पर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, जो कि नगर निगम की भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण किया। इनको पहले भी नोटिस जारी की थी, बताया जा चुका था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तथा विवश होकर नगर निगम को ये कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ी जिसमें कि अतिक्रमण को हटाया जा सके। सर, कुछ दुकानदारों का कहना यह है कि हमें कोई नोटिस इन्फॉर्म नहीं किया गया नगर निगम द्वारा, ये वो गलत कह रहे हैं। ये नोटिस दी गई है, आगे भी इस एरिया में जो है प्रचार प्रसार कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, उसके बाद फिर कार्रवाई इधर होगी। जिनकी भी अतिक्रमण की हुई जमीन होगी उसको हटाया जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।